भोजपुरी सिनेमा के स्टार गुंजन सिंह नवादा लोकसभा चुनाव में राजनीतिक परिवर्तन ला पाएंगे? भोजपुरी सिनेमा जगत का प्रसिद्ध चेहरा गुंजन सिंह अब नवादा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राजनीति में उतर चुके हैं। ये कदम उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो रहा है, जहां उनकी कलाकार के रूप में लोकप्रियता अब सार्वजनिक सेवा में उनकी भूमिका को प्रभावित कर सकती है। गुंजन सिंह का जन्म और पालन पोषण नवादा जिले के भवनपुरा गांव में हुआ। एक साधारण परिवार से आने वाले गुंजन ने अपनी शिक्षा और करियर की शुरुआत संगीत से की, जहां उन्होंने मगही और भोजपुरी गानों में अपनी आवाज से नाम कमाया। राजनीति में उनका यह कदम अपने क्षेत्रीय लोकप्रियता का उपयोग सामुदायिक विकास के लिए करने से उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सालों से गुंजन ने संगीत से लेकर अभिनय तक अपनी क्षमता का विस्तार किया और 2018 से 2023 तक कई भोजपुरी फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाईं। उनकी फिल्में न केवल मनोरंजन प्रदान करती है बल्कि सामाजिक संदेश भी देती है, जो उनके व्यक्तित्व की गहराई दर्शाती है। भोजपुरी इंडस्ट्री में सालों की मेहनत के बदौलत गुंजन सिंह ने करोड़ों रुपए की संपत्ति और खूब सारा नाम कमाया। इसके बाद गुंजन सिंह को लगा कि जिस जनता ने उनको गुंजन कुमार से गुंजन सिंह बनाया है, उस जनता की सेवा की जाए। इसके लिए उन्होंने सांसद बनने का सपना देखा, सांसद बनने का राह चुना। आपको बता दें कि गुंजन सिंह ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ नवादा लोकसभा सीट से ही लड़ेंगे। हालांकि किसी राजनीतिक पार्टी ने उनमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। नतीजतन उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भर दिया है और फिलहाल वो तैयारियों में लगे हुए हैं, जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। राजनीति में उनका प्रवेश उनकी सामाजिक परिवर्तन लाने की इच्छा से प्रेरित है। नवादा से निर्दलीय चुनाव लड़ना उनकी इसी उद्देश्य का हिस्सा है। अपने फिल्मी करियर के बाद गुंजन सिंह ने राजनीति में कदम रखा है। वह नवादा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला स्थानीय बड़ी राजनीतिक शक्तियों से है, जिसमें एनडीए के विवेक ठाकुर और राजद के श्रवण कुशवा शामिल है। भोजपुरी इंडस्ट्री में नाम कमाने के बाद एक साधारण परिवार का बेटा गुंजन सिंह आज करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक है। आपको बता दे, गुंजन सिंह के पास 3 लग्जरी कार है, जिनमें से प्रत्येक का नंबर 5555 है, जो उनका लकी नंबर माना जाता है। इसके अलावा उनके पास और उनकी पत्नी के पास मिलाकर करीब 1.25 किलोग्राम सोना है। उनकी वार्षिक कमाई और संपत्ति में समय के साथ स्थिर वृद्धि हुई है। गुंजन सिंह अपने चुनावी प्रचार में जोर शोर से लगे हुए हैं और अपने संगीत और अपनी फिल्मी करियर की लोकप्रियता का उपयोग करके वोटरों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका उद्देश्य अपने कलात्मक जीवन में अर्जित अनुभवों को जनसेवा में लगाना है। 19 अप्रैल को नवादा में मतदान होने वाले हैं और गुंजन सिंह की कोशिश है कि वे अपने कलात्मक प्रभाव और जनसेवा के उद्देश्य को मिलाकर वोटरों का दिल जीत सकें। आपको बता दें, नवादा लोकसभा सीट पर उनका मुकाबला अन्य स्थापित राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों से है, जो कि इस चुनाव को और भी रोचक बना देता है। गुंजन सिंह का यह फैसला ये भी दर्शाता है कि किस प्रकार भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार अपनी लोकप्रियता और सामाजिक पहुंच का उपयोग राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए करना चाहते हैं। इस चुनाव में गुंजन सिंह की भूमिका केवल एक प्रत्याशी की नहीं बल्कि एक युवा आवाज की भी होगी, जो कि स्थानीय मुद्दों और युवा वोटरों की आकांक्षाओं को समझता है। उनके चुनाव प्रचार में उनकी फिल्में और संगीत की पृष्ठभूमि निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण कारक होगी। आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे गुंजन सिंह की राजनीति यात्रा उनके कलात्मक करियर को प्रभावित करती है और कैसे अपने वे कलात्मक विजन को अपनी राजनीति आकांक्षाओं में उतारते हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि 19 अप्रैल को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करना ना भूले। पटना से लोकल एटिंग के लिए सच्चिदानंद की रिपोर्ट।